Chapter two competence and the capacity to make decision. Competence har wo banda jo All adult patients are considered competent. Only a court can determine that a patient is incompetent, while physician can determine whether or not a patient has the capacity to understand his medical condition. Competence harbalek shakhs जो कि अपने बारे में जानता है कि मैं अपने जिस्म के साथ क्या कर रहा हूँ ये इलाज मेरे लिए फायदा मंद है नुकसानदेह है तो वो अपने बारे में अपने डिसीजन खुद ले सकता है दिस इज कॉल कंपेटेंस माइनर माइनर किसे कहते हैं हर वो शख्स जो 18 साल से कम उम्र का है उसको माइनर्स कहते हैं आर जनरली नॉट कंसिडर कंपिटेंट टू मेक देयर ओन डिसीजन सिर्फ उसके पेरेंट या लीगल गार्डियन जो है वो आपको कंसर्न दे सकते हैं पड़ोसी आंटी अंकल ग्रैंड पेरेंट वो कोई कंसर्न उसके इलाज के मुताबिक के लिए इलाज के लिए कंसर्न नहीं दे सकते हैं लेकिन सीरियस इमरजेंसी की सूरत में कोई कंसर्न की ज़रूरत नहीं है ना पेरेंट की ना गार्डियन की आप इलाज जारी रखेंगे चाहे आप को कंसर्न हो या ना हो इमरजेंसीतों में कोई कंसर्न लाजमी नहीं है तो आ किसी को ब्लड की जरूरत है सर्जरी की जरूरत है लाइफ थ्रेटरिंग एक्सीडेंट हुआ है तो आप बेशक अपना प्रोसेस बगैर किसी कंसर्ट के जारी रख सकते हैं उसमें किसी कंसर्न की ज़रूरत नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल एक दस साल का बच्चा स्कूल में एक्सीडेंटली तौर पर शीशा तोड़ने की वजह से वो ज़ख्मी हो गया और उसकी रेडियल आर्टरी कट गई तो वो उसके टीचर उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपके पास लेके गए लेके आए हैं बच्चा ब्लीडिंग कर रहा है और उसे खून की ज़रूरत है और सर्जरी की ज़रूरत है सर्जरी की ज़रूरत है ताकि वो रेडियल आर्टरी को करेक्ट कर सके इस सूरत में डॉक्टर क्या करेगा इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ माइनर डज नॉट एक्सप्रेस रिटर्न कंसर्न डायरेक्ट आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट करेंगे हाँ पारंट्रल कंसर्ट कुछ ना कुछ मानी रखता है ये कहना कि आप किसी और शख्स से पूछे मतलब स्कूल के टीचर से प्रिंसिपल से स्कूल के नर्स से बेबी सिस्टर से या ग्रैंड पेरेंट्स से तो ये सब जवाब गलत है कोर्ट आर्डर इस सूरत में भी गलत है और सीकिंग कोर्ट आर्डर इज़ आल्सो ए रॉन्ग चॉइस इन एमरजेंसी बिकॉज इट डिले द ट्रीटमेंट सो आपने ट्रीटमेंट जारी रखनी है और किसी कंसर्न की जरूरत नहीं है ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ फिर बहुत लंबा हो जाएगा उससे तो बेहतर है कि फिर आप को नॉट फिशर पढ़ लें इसलिए मैं जल्दी जल्दी मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ पार्शल एमेंसीपेशन अब माइनर की ट्रीटमेंट के बारे में सिर्फ पेरेंट या गार्डियन ही आपको कंसर्ट दे सकते हैं लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि प्री केयर हो गया कंट्रोसेप्टिव हो गए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस हो गए एंड सब्सटांसि मेच्योर माइनर इज जनरली वन अबाउट द एज ऑफ फिफ्टीन पंद्रह साल से जो भी ऊपर हो ये जो एक्सेप्शन केसेस हैं रीनेटल केयर कॉन्ट्रासेप्शन सेक्शली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और सब्सटांसिव यूज इसमें आप इनका इलाज जारी रखेंगे इसमें ना किसी पेरेंट की कंसर्न की ना गार्डियन की कंसर्न की जरूरत है आप डायरेक्ट इनका इलाज करें मिसाल यहाँ पे जो दी है फिशर ने एक सोलह साल की लड़की आपके पास क्लिनिक आ गई है और कंट्रोसेप्शन के बारे में डिस्कशन करना चाहती है शी इज़ जनरली हेल्थी बट इज नॉट ए बाय पेरेंट व्हाट शुड यू डू इन ऑल केसेस लाइक प्रीनेटल केयर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज कॉन्ट्रासेप्शन एच आई वी And substantive use the answer should be to treat the patient. Saying that you may notify the parent, get a court order, seek legal counsel, refuse therapy. This is this all are wrong. You should treat them. No need of any parent. No need of any guardian consent in these cases. No need to seek legal counsel, refuse therapy, or ethic committee. All are incorrect answer. You have to treat them. एबार्शन इन ए माइनर हर स्टेट के अलग रूल्स हैं एबार्शन के मुताबिक तो आप जिस स्टेट में हैं तो उसके मुताबिक आप जाएंगे यहाँ पे जो मिसाल दी है ए सिक्सटी एयर ओल्ड गर्ल्स कम टू सी यू इन फर्स्ट प्राइम ऑफ प्रेगनेंसी शी इज सीकिंग एन एबार्शन व्हाट शुड यू डू आप क्या करेंगे यहाँ पे कोई क्लियर जवाब नहीं है कि फिजिशियन क्या करेगा लेकिन सबसे बेहतर जवाब आप देंगे आप उनको उनके साथ डिस्कस करें कि आप अपने पेरेंट को नोटिफाई करें खुद ब खुद तो ये सबसे बेस्ट आंसर है इनकरेज डिस्कशन सजेस्ट ए फैमिली मीटिंग सबसे बेहतर जवाब ये है एमेंसिपेटेड माइनर कौन से हो गए वो माइनर जो एटीन साल से कम है मतलब सोलह 17 साल के बच्चे हैं वो बच्चे एमेंसिपेटेड माइनर कहलाते हैं जो अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट नहीं है उनकी अपनी जाब है अपनी तरफ से कमा रहे हैं तो उनको भी हक है कि अपने जिसम के इलाज के लिए अब कंसर्न खुद दें ना सिर्फ माइनर ट्रीटमेंट के लिए बल्कि आर्गन डोनेशन सर्जरी एबॉर्शन एटसेट्रा सब चीज़ों पे इनको हक है कि वो अपना ट्रीटमेंट खुद डिसाइड करे खुद कंसर्न दे इसमें पेरेंट और गार्डियन की कंसर्न की ज़रूरत नहीं है लिमिटेशन और पेरेंटल राइट ऑफ रिफ्यूज़ल फॉर माइनर ऑल तो ए कम्पिटेंट एडल्ट कैन रिफ्यूज एनी मेडिकल केयर शी शिविश अगर वो कम्पिटेंट एडल्टे तो वो किसी भी मेडिकल केयर से इनकार कर सकता है उसके पेरेंट उसको फोर्स नहीं कर सकते अगर वो कंपीटेंट एडल्ट पेरेंट्स कैन नाट रिफ्यूज लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट फॉर देयर चाइल्ड बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ मतलब यहूदियों में खून देना खून देने पर पाबंदी है कि ये हमारे मजहब में नहीं है अगर आप समझते हैं कि खून देना लाजमी है और बच्चे की जान बच सकती है तो आप बच्चे की जान बचाएँगे उसे खून देंगे यहाँ पे पेरेंट के कंसर्न की कोई ज़रूरत नहीं है आप उसके कंसर्ट के ख़िलाफ़ जाएंगे बेशक वो माइनर हो माइनर के कंसर्न कौन देता है पेरेंट्स और गार्डियन मगर लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट बच्चे से नहीं रोक सकते हैं पेरेंट्स पेरेंट्स जो है वो अपने लिए खून देने से इनकार मतलब खून लेने से वो इनकार कर सकते हैं लेकिन बच्चे के लिए खून देना लाजमी है बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से वो नहीं रोक सकते तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है माइनर्स में साइकेट्रिक पेशेंट पेशेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री इज टू द ऑफ इंट्रेंसेंस एंड टू द पेशेंट कैपेसिटी टू देशरस्टैंडल प्रॉब्लम हाउ एवर ए साइकेट्रिक एविलियन कैन बी यूजफुल टू हेल्प मेक ए डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी इन कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड इन अदर वर्ल्ड ए पेशेंट मे हैव हिस्ट्री ऑफ bipolar डिसऑर्डर मेक इट impossible फॉर हिम टू मैनेज his फाइनेंशियल डिसीजन लेकिन यही bipolar शख्स अगर किसी ट्रीटमेंट से इनकार कर सकता है करें तो वो आप उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे यही bipolar शख्स अगर वो फाइनेंशियल डिसीजन में अच्छे फैसले नहीं कर सकते हैं मगर स्टिल वो ट्रीटमेंट से इनकार कर रहे हैं तो आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे ये उसका हक है पेसिटी टू रिफ्यूज प्रोसीजर इन एंड अदरवाइज मेंटली डिसबल पेशेंट एक मरीज है वो मेंटली इल है या मेंटल डिटाड्रेशन का शिकार है वो जिंदगी के दूसरे फैसलों में अपने फैसले अच्छी तरह नहीं कर सकता देट पर्सन स्टिल हैव द राइट टू रिफ्यूज मेडिकल प्रोसीजर Your patient might have schizophrenia, mental retardation, or any other mental illness, but, they do, but that does not mean that they are incapable, incapable of understanding medical procedure. This means that an adult with a mental age of 8 or 10 still be allowed to refuse medical procedure. In addition, it shows the beneficence of उसके फायदे के लिए काम कर रहे हैं ट्राइंग टू डू द राइट थिंग फॉर द पेशेंट बेनिफिशियंस इज कंसीडर लेस इम्पॉर्टेंट देन इटानमी बेनिफिशियंस इज कंसीडर लेस इम्पॉर्टेंट देन इटानमी अटानमी इज गिवन मोर वेट

वो मेडिकल प्रोसीजर से इनकार कर सकता है और ये उसकी अटानवी है आप बेशक उसके फ़ायदे के लिए कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं बेनिफिशियंस करना चाहते हैं तो वो आपको इजाज़त नहीं है क्योंकि पेशेंट की अटानवी सबसे पहले ज़रूरी है दैट्स एंड ऑफ चैप्टर टू